इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और वीडियो क्लियर से ली गई है। कृपया कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स माय टीम एमडीमेडिटिव। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, एमडीमेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कॉमनली यूजेस कई सारे इंजेक्शंस के बारे में। यानी जो इंजेक्शंस है वो बहुत ही कॉमनली यूजेस होता है, हर क्लिनिक में रहता ही है, हर मेडिसिन सब में तो ये रहता ही है, और डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर ये सब मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉमन रखते हैं, यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा इन मेडिसिन के यूजेस कर सकते हैं। आज इसी इंजेक्शंस के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे, कैसे लेना चाहिए, किन किन सिचुएशन में लेना चाहिए और कौन सा रूट में देना चाहिए, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न अबाउट एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ जाए। पहला जो इंजेक्शंस रहता है, सबसे कॉमनली जो रहता है, डायनापार इंजेक्शन। इसके अंदर कॉन्टेंट्स है डाइक्लोफेनाक 75 mg, जो कि एक पेन किलर है, यानी NSAID ग्रुप से बिलोंग करता है, नॉन स्टेरॉयडियल एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप से बिलोंग करता है, जो पेन को यानी दर्द को कम कर सकता है। कहीं पर भी आपके चोट लग गए हो, उस दर्द को कम करने के लिए डायनापार इंजेक्शन यूजेस लिया जाता है, और बहुत सारा जो पेन होता है उसको ठीक करने के लिए भी डायनापार इंजेक्शन यूजेस लिया जाता है। इसको IM यूजेस किया जा सकता है, यानी इंट्रा मास्कुलर सी यूजेस किया जा सकता है। IV जब यूजेस किया जाता है तो डॉक्टर के सलाह के साथ यूजेस किया जाता है, क्लिनिक में यूजेस किया जाता है। कुछ भी फ्लूइड के साथ, यानी NSRL या DNS, कुछ भी फ्लूइड के साथ डायलट करके ही इसको दिया जाता है IV में। IV घर में यूजेस ना कीजिए, घर में सिर्फ IM यूजेस कीजिए, यानी इंट्रा मास्कुलर जो लगाते हैं उसमें यूजेस कीजिए। और सेकंड जो इंजेक्शन है वो है डाइक्लोमिन इंजेक्शन। डाइक्लोमिन इंजेक्शन को एंटी स्पास्मोटिक्स इंजेक्शन कहा जाता है, एंटी स्पास्मोटिक्स ड्रग्स कहा जाता है। यानी जो मसल्स क्रैम्प होता है, मसल्स पेन वगैरह होते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, महिला की मासिक धर्म के दौरान जो एब्डोमिनल पेन होता है उस सिचुएशन में ये इंजेक्शन यूजेस किया जा सकता है। गैस्ट्रिक इरिटेशन के कारण जब एब्डोमिनल में पेन होता है, पेट में दर्द होता है, तब इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जाता है। यानी ये सॉफ्ट मसल्स की पेन के लिए, दर्द के लिए इस इंजेक्शन को यूजेस किया जाता है। ये इंजेक्शन IV भी लगा सकते हो, IM भी लगा सकते हो। IV जब लगाया जाता है तब इसको डाइल्यूट करके लगाया जाता है, यानी NSRL DNS के साथ डाइल्यूट करके लगाया जा सकता है। ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मेडिसिन है, इसको रखना ही चाहिए। और थर्ड जो इंजेक्शन आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, वो कॉमनली सब में यूजेस होता है, पेशेंट जाने के साथ साथ वो इंजेक्शन लगाया जाता है, वो है Pan-IV का इंजेक्शन। यानी इसके अंदर रहता है पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल एक PPI ड्रग्स है, जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर ड्रग्स है, जो गैस्ट्रिक और एसिडिटी जैसी सिचुएशन को रिकवर करने के लिए, यानी उस टाइम्स जो प्रॉब्लम होते हैं उससे रिकवर करने के लिए मदद करता है, गैस्ट्रिक से रिकवर करता है, एसिडिटी से रिकवर करता है। ये इंजेक्शन बहुत ही कॉमनली यूजेस होता है। ये इंजेक्शन सिर्फ IV लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आता है, इसको डिस्टिल वाटर के साथ या NS के साथ डाइल्यूट करके डायरेक्टली वेन में दिया जा सकता है, या NSRL और DNS के साथ डाइल्यूट करके भी दिया जा सकता है। इसको IM नहीं लगाया जाता, यानी इंट्रामस्कुलर नहीं लगाया जाता, सिर्फ IV में ये इंजेक्शन, यानी इंट्रावेनस में ये इंजेक्शन दिया जाता है। और चार नंबर में जो इमरजेंसी कंडीशन में यूजेस लिया जाता है जो इंजेक्शन आते हैं वो है एफिल इंजेक्शन, जिसके अंदर है फेनोरमाइन मैलिएट। ये इंजेक्शन एलर्जिक कंडीशन में यूजेस लिया जाता है, या कुछ भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जब सूजन आ जाता है, उसमें श्वास लेने के लिए कठिनाई होता है एलर्जिक रिएक्शन के दौरान, उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जाता है। कुछ भी मेडिसिंस के एलर्जी के कारण जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, श्वास लेने के लिए कठिनाई होते हैं, बहुत स्किन में रैशेस उठ सकता है, आप स्किन में देख सकते हो कैसे सारा प्रॉब्लम हो सकता है, उसी सिचुएशन में ये इंजेक्शन यूजेस लिया जाता है। इसको सिर्फ IM इंजेक्शन दिया जाता है, यानी इंट्रा मास्कुलर दिया जाता है, बहुत ही अच्छा आराम मिलता है, देने की तुरंत बाद ही ये काम करना शुरू कर देता है। और पांच नंबर में जो इंजेक्शन आता है उसको प्राणदायी इंजेक्शन कहा जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में यूजेस लिया जाता है। वो एक स्टेरॉयडियल ड्रग है जिसका नाम है डेक्सोना इंजेक्शन। इसके अंदर कंटेंट्स मौजूद है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयडियल ड्रग है जो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए। हार्ट बीट का जब प्रॉब्लम हो जाता है, यानी जब बहुत ही स्लो चलने लगता है हार्ट, तो हार्ट को पंप कराने के लिए, उसको मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। एलर्जिक रिएक्शन के कारण जब सूजन आ जाता है उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में कभी कभी डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, खुद से ना यूज कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही यूज कीजिए। इसी इंजेक्शन को IV
IM दोनों रूप में ही लगा सकते हैं डॉक्टर के सलाह के साथ, खुद से यूजेस ना कीजिए। दोस्तों ये जो इंजेक्शन मैंने बताया, खुद से इंजेक्शन यूजेस ना कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एडुकेशनल पर्पस के लिए है। इस इंजेक्शन को खुद से लगाने पर बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है, तब आप संभाल नहीं पाओगे। डॉक्टर के सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इंजेक्शन को लगाने का। ये इमरजेंसी इंजेक्शन से कई सारे था मैंने बताया, और कई सारे इंजेक्शन की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए या इमरजेंसी कंडीशन में जो मेडिसिन यूज होते हैं उस मेडिसिन की या इंजेक्शन की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं स्पेसिफिक्स करके वीडियो बना दे सकता हूँ, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो बनने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।